कि वो अपनी कोरियोग्राफी के लिए देखिए हमारे यूनिवर्सिटी का चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का ये 7th यूथ फेस्टिवल है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2 days 7 यूथ फेस्टिवल है। इसमें स्वस्थ हरियाणा स्वच्छ हरियाणा ये थीम है। हम लोग चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जो देश में स्वच्छता का जो मिशन चलाया हुआ है उसी को लेकर के हम अपने विश्वविद्यालय के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आने वाले सभी कॉलेजेस में ये मैसेज लेकर के जाएं कि पूरा क्षेत्र जो है वो स्वच्छ हो, न केवल फिजिकली स्वच्छ हो बल्कि मेंटली भी स्वच्छ हो, मानसिकता में भी जो है कि हमारे अंदर जो कमियां खामियां हैं दूरियां हैं उनको हम लोग दूर करें और अपने इलाके को स्वच्छ बनाएं। एक हम देखते हैं कि पर्यावरण की समस्या इस समय बहुत बढ़ रही है और पर्यावरण स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। इस एरिया में जो है कि एक पराली जलाने का जो है कॉन्सेप्ट बहुत है, तो हम अपने किसान भाइयों को और ग्रामीण भाइयों को और उनको निवेदन करना चाहते हैं कि युवाओं को आप ये आपके बीच में आएंगे तो विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजेस की तरफ से एक संदेश है, एक निवेदन है कि वो इस तरह के जो स्टबल बर्निंग है वो ना जलाएं और वातावरण को शुद्ध रखें। 5 स्टेजेस हम लोगों ने बनाई हैं यहाँ पे और अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग विधाओं में बच्चे लगभग 40 कॉलेज से अभी टीम जो रिपोर्ट कर चुकी हैं। हमने पहली बार यहाँ पर एक सांस्कृतिक शोभा यात्रा से ये कार्यक्रम शुरू किया है, प्रोसेशन शुरू किया है, वो भी हम लोग समाज के अंदर एमलगमेशन का एक संदेश, सामाजिक समरसता सामाजिक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस युवा महोत्सव से अपने युवाओं को ऐसे तैयार करके भेजें कि जो इस इलाके के अंदर जो अनेक डेरे हैं साधु संतों के और जो दूसरे सामाजिक स्थान हैं उनके संदेश लेकर के विश्वविद्यालय संजो रहा है उनके विचारों को उनके आइडियोलॉजी को और उनको इस युवाओं को तैयार करके वापस समाज में भेजें ताकि समाज में ये अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छा निर्माण युवाओं का निर्माण हम कर सकें। ये उद्देश्य है इस युवा फेस्टिवल का।